दोस्तों पेनी हेयर वाइक के अंदर एक न्यू अपडेट आई है। और ये क्या अपडेट है, तो जैसा कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपके मोबाइल या फ़ोन में जैसे ही आप आधार उद्योग यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन वाला जैसे ही ऑप्शन जहां से ओपन होता है अगर आप वहां पे क्लिक करते हैं तो एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक न्यू अपडेट आई है कि आपको आधार उद्योग का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। और दोस्तों अगर मान लीजिए आपने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपके अंदर ये डाउट बना हुआ होगा कि हमें क्या इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं, तो चलिए ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हमें ये भी देखना है कि आखिरकार डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किस प्रकार से करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम PayNearby में लॉगिन हो चुके हैं, अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शॉप ऑनर बेनिफिट वाले सेक्शन में, यहाँ पे देख पा रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, इस पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों उद्यम का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आने के बाद पहले आपको यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर नाव वाला ऑप्शन दिख रहा था, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे अपलोड नाव का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन आप करते हैं आधार उद्योग का वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो अब दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि किन किन लोगों को यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है या फिर करना है खुद से। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, यानी कि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं और जैसे कि मान लीजिए अगर आप PayNearby रिटेलर हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप 100% PayNearby रिटेलर होंगे। तो यहाँ पे जो है आप एक बिजनेसमैन के कैटेगरी में आते हैं या फिर आपका जो बिजनेस है वो MSME में आना चाहिए, तो यहाँ पे कम से कम आपको MSME का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो आधार उद्योग रजिस्ट्रेशन है इससे कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना होगा, जैसा कि अगर आप मान लीजिए सोच रहे होंगे कि यहाँ पे GST वगैरह पेमेंट करना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपका जो कंपनी है आपका जो बिजनेस है वो आपका MSME से रजिस्टर्ड हो जाएगा, यानी कि आपका जो कंपनी है आपका जो बिजनेस है वो सरकार के अंदर में रहेगा, यानी कि सरकार की नज़र आपके बिजनेस पे रहता है, बस इतना ही इसका काम है। और साथ ही दोस्तों अगर आप उद्यम सर्टिफिकेट ले लेते हैं यानी कि उद्यम का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे एक और बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी भी बैंक से आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको GST मांगा जाता है, या फिर अगर 2 लाख 4 लाख का अगर आपका लोन है तो यहाँ पर कम से कम आपसे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगेगा ही मांगेगा, चाहे जैसे मांगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगता, बस आपको क्या करना है यहाँ पे जो देख पा रहे हैं रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस प्रकार से आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है, ये वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं, इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट दी गई है, यहाँ पे अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये सब बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है अपलोड नाउ, तो चलिए हम अपलोड नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। अपलोड नाउ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही दोस्तों ऊपर में देख पा रहे हैं बोला जा रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आप जैसे ही उद्यम रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके सर्टिफिकेट के ऊपर में ही इसका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर जाएगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है और साथ ही अंश कंप्यूटर एकेडमी के नाम से। तो कुछ इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन कर ले, और इसका वीडियो हमने बना रखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें जा करके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट को। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं अपलोड वाला सेक्शन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट जहाँ भी सेव है वहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया है, प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो रहा है, देख पा रहे हैं अपलोडेड, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। साथ ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे फेज कर लिया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आप आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फेज कर लेगा। इसके बाद दोस्तों नॉर्मली यहाँ पे देख पा रहे हैं सबमिट, नॉर्मली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली, जैसा कि नीचे में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो सर्टिफिकेट है ये फाइनली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ से नॉर्मली हम इसे बैक कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल आसानी के साथ हम आधार उद्योग का सर्टिफिकेट अपलोड कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आधार का रजिस्टर यानी कि आधार उद्योग का रजिस्ट्रेशन कर ही लेना चाहिए ताकि आपको अनेकों बेनिफिट इससे मिल पाए।